नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमल ज्योतिषाचार्य किसान कृष्णा शर्मा। आप सबका स्वागत करते हुए आज के दिन के बारे में बताना चाहेंगे। आज है 23 मई, दिन है बुधवार, चंद्रमा किस राशि में संचार कर रहा है, कन्या राशि में, शुक्ल पक्ष चल रहा है। और आज के दिन के जो हमारा दान का समय है वो प्रातःकालीन 6:05 से लेके 7:35 तक का रहेगा, जिसमें आप दान पुण्य का कुछ भी सामान निकालना चाहते हैं आप निकालिए, मगर उससे पहले आज हमारा बहुत खास उपाय है। क्या उपाय है बताएंगे, मगर उससे पहले हम आपको राशियों के अनुसार आज हमारा भाग्य के पास आपके लिए क्या कहता है, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए भाग के पास एक नंबर है, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 1, 6 नंबर निकला है। मेष राशि वालों, आज जो है आपका पैसा कहीं इधर उधर खर्च हो सकता है, कोई धोखे से आपसे उधार ले ले और वापस नहीं होगा, इसीलिए कहीं भी आज निवेश करने से बचें तो अत्यंत अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए भाग के पास एक नंबर है, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 4, 9 नंबर। वृषभ राशि वालों, आज आपके लिए नंबर बताता है आप जो है सुनी सुनाई बातों के चक्कर में हो सकता है आज अपने बड़ों से कहीं मन मुटाव कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं वहाँ अधिकारी वर्ग हो या परिवार में भी किसी के साथ में आज आपकी किसी के साथ अनबन हो सकती है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों, भाग के पास एक नंबर है, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 4। आपके लिए बता दें मिथुन राशि वालों की आज जो है बड़ बोले मत बनिएगा, हो सकता है ज्यादा बोलने के चक्कर में आप मुसीबत में फंस जाए। साथ ही आपके लिए बता दें कि आज अपने काम पर पूरी तरीके से ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, तभी आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, अगली राशि कर्क। कर्क राशि वालों के लिए भाग के पास का नंबर है, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 2, 8 नंबर। कर्क राशि वालों, आज जो है पूरी मेहनत से किए गए कार्य का आपको फल प्राप्त हो सकता है, साथ ही जो है आपका कहीं भी कोई काम अटका हुआ है, हो सकता है आज आपको खुशखबरी मिल जाए, आपके काम भी आज बन सकते हैं। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि सिंह। सिंह राशि वालों के लिए भाग के पास का नंबर है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, 7 नंबर। सिंह राशि वालों, आज किसी के साथ में किसी वाद विवाद में ना पड़े और कोर्ट कचहरी के केस में आज आपको कम कह सकते हैं खुशी प्राप्त होगी, आज जो है आपके पक्ष में आपके हित में पूरी तरीके से फैसला नहीं आ पाएगा, इसीलिए जो है मायूस मत होइए। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कन्या। कन्या राशि वालों के लिए भाग के पास का नंबर क्या आता है, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, 7 नंबर। कन्या राशि वालों, आपके लिए भी 7 नंबर ये बताता है आज संतान की तरफ पूरी तरीके से ध्यान देना है, इसके साथ ही संतान के साथ में आज परिवार के साथ में कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि तुला। तुला राशि वालों के लिए भाग के पास का नंबर है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, 9 नंबर है। तुला राशि वालों, आज जो है कुछ परेशान हो सकते हैं, आज अत्यधिक कार्य आपके ऊपर आ जाएगा या अचानक कोई मेहमान आ जाएगा, जिसकी वजह से आज घर में आपको बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा, इसके साथ ही जो है आज अपने खुद के काम पे भी पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आज मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके लिए भाग के पास का नंबर है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, 9 नंबर। वृश्चिक राशि वालों, आज जो है प्रॉपर्टी से संबंधित कहीं बातचीत करने जा रहे हैं तो करिए, मकान वगैरह की कहीं कोई बातचीत या डीलिंग चल रही है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, और साथ ही आज जो है आपका मंगल ग्रह आपके ऊपर पूरी मेहरबानी बना के रखेगा, इसके साथ ही जो है आज आपका अधिकारी वर्ग के सामने अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि धनु। धनु राशि वालों, भाग के पास का नंबर है, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 3, 10 का 1 नंबर ये बताता है धनु राशि वालों, आज माता पिता की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, हो सकता है माता पिता के स्वास्थ्य खराब हो जाए और माता पिता के स्वास्थ्य की तरफ आप थोड़ा चिंतित रहिए, इसके साथ ही ये भी है कि आज कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपने माँ के चरण छू के जाइए, आपका कार्य जरूर बनेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मकर। मकर राशि वालों, भाग के पास का नंबर क्या कहता है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 3, 8 नंबर। मकर राशि वालों, आज जो है पूरी तरीके से काम में इतने बिजी हो जाएंगे कि अपने घर वालों को समय नहीं दे पाएंगे, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि काम में इतने बिजी, क्योंकि काम भी आपका बहुत ही जरूरत वाला होगा, इसके साथ ही आपका कोई पुराना मित्र आपको पूरी तरीके से सहयोग भी देगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों, भाग के पास का नंबर आपके लिए कहता है, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 4, 9 नंबर। कुंभ राशि वालों, आपके लिए बता दें कि आज जो है किसी के साथ जो है कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके साथ ही एक चीज़ है वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा, अन्यथा यहाँ पर आपको चोट लगने की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं मीन राशि।
मीन राशि वालों के लिए भाग्य के पास एक नंबर कहता है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, 9 नंबर। मीन राशि वालों आपके लिए भी 9 नंबर ये बताता है कि आज जो है हो सकता है अपने पिता के परिवार की तरफ जो लोग हैं उनके साथ शायद आपकी थोड़ी सी अनबन हो जाए। इसके साथ ही ये भी दिखाई देता है आज आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है आज पैसे का लॉस भी आपके दिखाई पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम आपको बताते हैं, आज बुधवार का दिन है और साथ ही आज हम आपको वो खास उपाय ये बताने वाले हैं, आपके घर में यदि नजर लगी है तो मंगलवार की रात्र में करना है और बुधवार को क्या करेंगे बताएंगे, क्योंकि आपके घर में शुभता नहीं है, ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई है, तब आप क्या करेंगे, एक नींबू लीजिएगा, बेदाग नींबू लीजिएगा, उसके ऊपर कपूर रख दीजिएगा और इसके बाद अपने पूरे घर में घुमाने के बाद, मंगलवार की रात में करना है, घुमाने के बाद आप अपने घर के बाहर लाइए रात में शाम के समय और कपूर को जला देना है। नींबू को अपनी हाथ से 3 बार हाथ से अगर आप उसको मारेंगे तो उसके 2 पीस हो जाएंगे, जब 2 पीस हो जाएंगे उनको दाएं बाएं फेंक दीजिएगा, इससे आपके घर में जो लगी हुई बुरी नजर है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद आप जो है 7 पान के पत्ते लेके आइएगा, 7 पान के पत्तों की जो माला है वो मौली में आपने बनाना है। अपने घर में अगर आपने गणपति जी रखे हैं तो उनको सिंदूर चढ़ा के सुबह प्रातःकालीन 5 पान के पत्तों की माला उनको अर्पित कर दीजिएगा। ये था वो खास उपाय। कल हम आपसे एक नया विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में मिलते हैं और तब तक देखते रहिए मेरे साथ एस्ट्रो तक। जय महादेव।